सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आया हूँ भाई जिप्सी के टायर चेंज कराने, और एक मोटा मोटा तौर पर एक यही काम पेंडिंग रह गया था अपने जिप्सी में, आज उसके टायर्स चेंज कराते हैं, फिर लगभग काम इसके ख़त्म हो जाएंगे। कुछ जो एक स्नॉर्कल का काम बचा है वो सब दिल्ली में कराएंगे, और टायर डला रहे हैं हम लोग योकोहामा के 215/75 R15 80 में। पर बैलेंसिंग करके और फिर इसके अलाइनमेंट कराएंगे भाई। ये हमारे कुछ रिम जो हैं वो रस्टेड निकले हैं भाई, ये देखो जंग लगा हुआ है। अब देखते हैं क्या जुगाड़ कर सकते हैं इसका, क्योंकि ट्यूबलेस के लिए अपने को परफेक्ट रिम चाहिए एकदम। तो अभी देख रहे हैं, कुछ और रिम ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके डलाते हैं। फिर चार टायर डलवा लिए भाई अपन ने, तीन तो हो गए हैं प्रॉपर, उसमें से एक के रिम इन्होंने भाई साहब ने जुगाड़ करके दे दी अपने को, इसको पेंट करा लेंगे अभी अपन। और बाकी अपनी एक रिम हमें चेंज करानी पड़ेगी क्योंकि उसमें जंग बहुत ज़्यादा आया हुआ, तो फिलहाल उसमें ट्यूब डाल दिए रियर राइट साइड वाले में, अभी हमने ट्यूब डाली है, इसका रिम नया देखें फिर हम इसको चेंज करा लेंगे भाई। इसकी बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में करोगे? चलो ठीक है। टायर तो भाई चारों डल गए हैं, अब अलाइनमेंट करके और फिर निकलेंगे यहाँ से। एक जो रिम है उसको बाद में चेंज कराएंगे, जब अपन नया रिम ले आएंगे, देखते हैं दिल्ली मायापुर जाकर ढूंढेंगे, उसके बाद उसको चेंज करा लेंगे। तो भाई आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ का ये जो गैप है, ये गैप और यहाँ का जो गैप है, इधर तीन उंगली का गैप है, उधर दो उंगली का गैप है। तो अभी हम कमाने खुलवा रहे हैं, और कमानी में थोड़ा सा हमारे को दम भी डलवाना है, थोड़ी आगे की हाइट रेज करानी है। और ये जो इशू है, ये खान चाचा ने बोला है कि कमानी की वजह से, तो एक बार खुलवा के देखते हैं, फिर जो भी अपडेट है वो आज की वीडियो में हम लोग डालेंगे। भाई हमने एक बट्टा बढ़ा दिया है, और जो डिफरेंस था वो दोनों के सेंटर में और कमानी के उसमें फ़र्क था, उसी वजह से वो जो गैप आ रहा था ना, वो नापा तो फ़र्क था उसमें, तो हमने दोनों मेन बट्टे नए ले लिए हैं, और जो एक एक्स्ट्रा निकला है उसको हमने एक बट्टा बढ़ा दिया है। तो अब फिट करके फिर इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे, क्या फ़र्क आया है। तो कमानी की फिटिंग का काम शुरू हो गया भाई, अब कमानी को फिट करके फिर देखते हैं। तो भाई आज हमने अपने मारुति जिप्सी में दो चीज़ें और चेंज करी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पुराने पार्ट्स हैं, नए तो हम गाड़ी में लगा चुके हैं। ये है अपर बॉडी नोज़ल, जो कि रेडिएटर से होज पाइप के थ्रू जो ऊपर की साइड लगती है, ये गल गई थी, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से सुराख हो गया था, ये बिल्कुल ख़त्म है। और ये पीस कितने का है? मात्र 54 रुपये का, ये देखो आप, 54 रुपीज़ का ये पीस है। और दूसरा एक आइटम हमने जो चेंज किया है वो फ्यूल पंप चेंज किया है, पेट्रोल पंप। तो ये अपना फ्यूल पंप है इसका, ब्रैकेट तो पुराना ही लगे रहने दिया, हमने ब्रैकेट खोला नहीं, ये ब्रैकेट में से खोल के ये पंप भी पुराना है, नया ऑलरेडी गाड़ी में लगा चुके हैं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कितने दिन पहले चेंज कराया था, इसीलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मैं आपको गाड़ी में दिखाता हूँ ये दोनों चीज़ें कहाँ पर लगी है। फ्यूल पंप का प्राइस है भाई 485 रुपीज़, 485 रुपये का ही आया है। ये तो लगाया है भाई ऊपर का जो नोज़ल लगाया है वो, ये आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट नया लगा है, ये वाला पार्ट नया लगा है, यहाँ से लीकेज हो रखी थी तो इसको हमने खोल के खुद ही चेंज कर दिया। और फ्यूल पंप की जो लोकेशन है वो ड्राइवर साइड में होती है, पीछे से आपको दिखाता हूँ, दिखेगा तो वो ऊपर लगा हुआ है, नया सा पीस आपको दिख रहा होगा, ये फ्यूल पंप लगाया है। तो भाई इस वाले ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पर। अपन ने अपनी गाड़ी में टायर डला लिए हैं जिप्सी में, और उसका एक नोज़ल लीक था वो बिल्कुल गल गया था, वो चेंज करा दिया है। मीटर ख़राब हो गया था तो मीटर हमने वापस रिप्लेस करने के लिए दिया, तो हमने पैसे ही रिफ़ंड ले लिए उनसे, क्योंकि मीटर जो पुराने वाला था उसी को ठीक कर दिया था, ओडोमीटर जो था। और फ्यूल पंप हमने चेंज कर दिया, मुझे लगा था कि फ्यूल पंप चेंज करने से शायद थोड़ा फ़र्क पड़ेगा,
लेकिन गाड़ी की आवाज़ में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, खैर परफॉर्मेंस में शायद फ़र्क पड़ जाए। तो सब भाई लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।